अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। टीम फॉरेक्स डॉट पी के पेड प्लेटफॉर्म पर तमाम पेड ग्रुप मेंबरांस के साथ मौजूद हूँ। अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करे, हमारे लिए भी आसानी करे, आमीन। इस हफ़्ते के वीकली वीडियो फॉरेक्स टेक्निकल आउटलुक एडिशन को हम यूट्यूब के चैनल पर भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो हमारे यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी मौका मिले पूरे वीक को आसानी से प्लान करने का और वो फ़ायदा हासिल कर सकें मार्केट में मौजूद तमाम मिलने वाली बेस्ट मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ में। इस हफ़्ते के अंदर इस बात का ख्याल रखा जाए कि दो मेजर इवेंट्स आएंगे। AUD का मेजर इवेंट आएगा और न्यूज़ीलैंड का मेजर इवेंट आएगा। दोनों इवेंट्स के अंदर एज सच एस कोई बहुत बड़ी ख़ास मूवमेंट होने का या बहुत मेजर कोई तब्दीली होने का इम्कान मौजूद नहीं है, बट स्टिल इंटरेस्ट न्यूज़ की अपनी एक अहमियत, अपनी एक वैल्यू होती है। इसलिए टेक्निकल ट्रेड्स को लेते हुए मोहतात अंदाज़ इख्तियार कीजिएगा, ताकि किसी भी तरह के बड़े नुकसान से बचा जा सके। क्योंकि जब इकोनॉमिकल इवेंट्स आते हैं और अगर वो टेक्निकल्स को सपोर्ट ना करें, उनके फेवर्स में ना जाएं, तो फिर समटाइम्स बहुत सारे ट्रेडर्स को बड़े नुकसान हो जाते हैं। इसलिए टेक केयर ऑफ़ योर अकाउंट और बहुत ही केयरफुली AUD न्यूज़ीलैंड के पेयर्स पर जहाँ पर भी जो भी इंट्रीज़ लें वो बहुत ही एहतियात से लीजिएगा, ख़ास करके न्यूज़ीलैंड के पेयर्स पर ख़ास करके। अब हम चलते हैं इस वीक के वीकली आउटलुक एडिशन की तरफ। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट EURUSD। EURUSD के अंदर H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। लास्ट वीक में जैसा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ, बाय में भी और सेल में भी। अब राइट नाउ एक्सपेक्टेड है कि 624 को मार्केट होल्ड करके सेल की अपॉर्चुनिटी अगर दे तो हम सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। बाइंग अपॉर्चुनिटी की जो तलाश में है उन्हें 528 का वेट करना पड़ेगा। अगर 528 के जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, बट दैट विल बी अ काउंटर अपॉर्चुनिटी, ट्रेंड के अगेंस्ट मिलने वाली अपॉर्चुनिटी होगी, इस बात को याद रखा जाए। आइडियल अपॉर्चुनिटी जो मिलेगी हमें वो मिलेगी 715 के जोन से। वंस अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो आइडियल मिलेगी वो 715 से मिलेगी, लेकिन मीनवाइल इसके बीच में इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि 624 के जोन को होल्ड करके मार्केट सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे और उसके कामयाबी के इम्कान मौजूद हैं। नेक्स्ट GBP USD के अंदर डेली टाइम फ्रेम को फोकस किया जाएगा। अगर मार्केट 0.20 के इसी जोन से जिसमें अभी मौजूद है, यहाँ पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो बाई की ट्रेड मिलने वाली काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, ट्रेंड के अगेंस्ट मिलने वाली अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप उसके साथ जाते हैं तो बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ जाएँ, अदरवाइज़ ज़्यादा बेहतर ये होगा कि मार्केट अगर थोड़ा यहाँ पर ऊपर आते हुए 130 के अराउंड अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को, जो शॉर्ट टर्म हमने ड्रॉ की है, इसको रिस्पेक्ट करके अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी डेली टाइम फ्रेम पे या H4 के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट कोई प्रोड्यूस कर देती है, तो सेल की ट्रेड के साथ जाकर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि बेहतर प्रॉफिट हासिल किया जा सकता है GBP USD पर। बाय की ट्रेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा, इस बात को याद रखा जाए। नेक्स्ट USD CAD डेली टाइम फ्रेम, इसमें मार्केट 0.20 के हमारे जोन को होल्ड करती हुई नज़र आ रही है राइट नाउ। अगर इस पर डेली का कोई भी सिग्नल बनता है USD CAD पर, अगर बाय का सिग्नल कोई भी डेली के टाइम फ्रेम में बनेगा तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी मौजूद होगी। लेकिन अगर डेली के टाइम फ्रेम में कोई सिग्नल नहीं मिलता तो इस बात के खतरात मौजूद हैं कि इस हफ़्ते के अंदर मार्केट इस जोन को तोड़ के नीचे जा सकती है मज़ीद। इसलिए डेली के सिग्नल के अलावा किसी और टाइम फ्रेम पर अगर कोई भी USD CAD में बाय का सिग्नल मिले तो बाय की ट्रेड के साथ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट EURGBP में डेली टाइम फ्रेम को टारगेट किया जाएगा 860 के जोन पे। अगर मार्केट आते हुए बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, लास्ट वीक में भी हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई इस पेयर पर भी। 860 के जोन से अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिले बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, ज़्यादा इम्कान होगा फ़ायदा हासिल करने का। और अगर मार्केट 950 से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो सेल की ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का इम्कान बिल्कुल मौजूद होगा। नेक्स्ट USD JPY के अंदर डेली टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। इस पर भी लास्ट वीक हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी वो कामयाब हुई, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिला। वंस अगेन मार्केट इसी मकाम पे इसी जोन के अंदर मौजूद है 111.20 के। इसी जोन से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम के सिग्नल को भी लिया जा सकता है, H4 टाइम फ्रेम के सिग्नल को भी लिया जा सकता है, बाय में जाकर फ़ायदा हासिल करने का इम्कान $JPY पर मौजूद है। इफ़ इन केस ट्रेंड लाइन ब्रेक्स और मार्केट इस जोन को भी तोड़ दे, देन डेफिनेटली
इंतज़ार करना पड़ेगा और सिचुएशन के मुताबिक आगे की जो मूवमेंट हमारी होगी वो हम पेड ग्रुप के तमाम मेंबरान को ज़रूर आगाह करेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन होल्ड होती है और कोई भी अपॉर्चुनिटी H4 या डेली टाइम फ्रेम पर मिलती है तो बाय की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूरो AUD। यूरो AUD पर कंसोलिडेशन पीरियड जो था वो फाइनली अब ख़त्म हो गया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 600 का जोन हमारे लिए अहम किरदार अदा करेगा। 600 के जोन से अगर मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो हम बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका बिल्कुल मौजूद होगा। बट कीप इन माइंड मंगल को AUD का इवेंट है, उस पर भी ख़ास करके नज़र रखी जाए ताकि किसी भी तरह के नुकसान से ना गुजरें। नेक्स्ट EURCHF। EURCHF पे H1 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे और इंतज़ार करेंगे मार्केट रिट्रेस करके 533 तक आए। अगर 533 से मार्केट कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देती है तो सेल की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल करने का मौका काफ़ी अच्छा मौजूद है। और अगर मार्केट 533 को ब्रेक करती है तो 564 के साथ भी सेल की अपॉर्चुनिटी हासिल करने का फ़ायदा मौजूद है। दोनों में से कोई भी जोन रिस्पेक्ट हो, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट EURJPY। EURJPY में मार्केट ने जो मैंशनड हमारा इम्पॉर्टेंट जोन था वो अब तोड़ दिया है। फ़िलहाल हम इंतज़ार करेंगे मार्केट अगर हमें रिट्रेस करके कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे 129.45 के जोन से। अगर मार्केट रिट्रेस करती है 129.45 के जोन से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का मौका विद द ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें मिलेगा। बाय की अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल कोई नहीं लेनी है, इसलिए आपको नीचे कोई जोन लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बाय की फ़िलहाल कोई अपॉर्चुनिटी EURJPY पर नहीं लेनी है। नेक्स्ट है GBP CAD। GBP CAD पर डेली टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। मार्केट 890 के जोन में फाइनली अब मौजूद है। इस जोन से अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। लेकिन ये काउंटर अपॉर्चुनिटी है ट्रेंड के अगेंस्ट। दीगर कॉन्फ्लेंसेस को भी अच्छे तरीके से देखा जाए, अगर मार्केट आइडियल अपॉर्चुनिटी दे तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। और अगर ये जोन ब्रेक हो जाए तो फिलहाल कोई ट्रेड GBP CAD पर नहीं लेनी है। ट्रेंड की कंटिन्यूएशन के साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो मिलेगी 1.7 120 से, जिससे मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है इन नियर फ्यूचर। नेक्स्ट AUD न्यूजीलैंड। AUD न्यूजीलैंड में H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। कोई भी अपॉर्चुनिटी 960 के जोन से सेल की मिले तो सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका बिल्कुल मौजूद है। 40 पिप तक का SL रखकर हम ट्रेड के साथ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा SL AUD न्यूजीलैंड पर नहीं रखना है क्योंकि हम टारगेट ही H4 के टाइम फ्रेम को कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई ट्रेड इस हफ्ते में फ़िलहाल अभी नहीं देखनी है वीकली वीडियो के अंदर। बाकी कोई भी तब्दीली अगर होगी किसी भी तरह की तो फिर यकीनन उसको पेड ग्रुप के जो मेंबरान हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा, जिस तरह तमाम ग्रुप मेंबरान के साथ हमेशा किया जाता है हर चलते हुए वीक के दौरान। नेक्स्ट AUDCHF, जिस पे H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास चार्ट पैटर्न बहुत ज़बरदस्त तरीके से H4 के टाइम फ्रेम पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मार्केट ओपन होने के बाद कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले हम सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर कोई कैंडल इस मैंशनड हमारे चार्ट पैटर्न के ऊपर की लाइन के क्लोज़ हो जाती है, अबव 352 के अबव क्लोज़ हो जाती है तो फिर हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का बहुत ज़बरदस्त मौका होगा बाय की ट्रेड के साथ भी। नेक्स्ट CAD CHF। CAD CHF पे H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे और इंतज़ार करेंगे रिट्रेसमेंट का। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट करते हुए 620 से या थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट करते हुए ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करें तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का मौका CAD CHF पर मिलेगा। नेक्स्ट CHF JPY। H4 के टाइम फ्रेम को ही टारगेट करेंगे CHF JPY पर भी। यहाँ पर मार्केट 111.90 के जोन में मौजूद है। इस जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का बहुत अच्छा मौका मौजूद है। बट अगर मार्केट इस मकाम से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं भी देती और थोड़ा मज़ीद डीप रिट्रेस करती है तो ये बात मेक श्योर कर लीजिएगा कि स्टिल ये ट्रेंड लाइन बहुत अहम किरदार अदा करेगी बाय की ट्रेड का फराहम करने में। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से भी कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का बहुत ज़बरदस्त मौका मौजूद होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो फिर यकीनन तहम्मुल से इंतज़ार करेंगे और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए नेक्स्ट आने वाले लाए अमल के हवाले से पेड ग्रुप मेंबरान को बताया जाएगा।
नेक्स्ट है न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी में H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करना है। 850 के जोन से सेल की अपॉर्चुनिटी मिले, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, और आपको 690 के जोन से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, बाय की ट्रेड के साथ जाएं, दोनों तरफ फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद रहेगा। नेक्स्ट GBP न्यूजीलैंड। GBP न्यूजीलैंड में 250 का जोन बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। पिछले 3 वीक से ये कंसोलिडेट हो रहा है। 250 के जोन से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद होगा। जब तक मार्केट 250 के जोन को होल्ड कर रही है, बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट है GBP AUD। GBP AUD पर 595 के जोन में मार्केट मौजूद है। अगर डेली टाइम फ्रेम कोई भी सिग्नल बना कर दे तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी GBP AUD पर भी मौजूद है। लेकिन ये काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, अगेंस्ट द ट्रेंड अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इस बात का ज़रूर खास ख्याल किया जाए कि ट्रेंड के साथ मिलने वाली अपॉर्चुनिटी GBP AUD पर फ़िलहाल मिलने का इम्कान मौजूद नहीं है। नेक्स्ट AUD USD। AUD USD में H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे, जिसमें हमारे पास चार्ट पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। शॉर्ट टर्म मार्केट अपर ट्रेंड लाइन को होल्ड करके सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, सेल की ट्रेड के साथ फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। मार्केट डाउन मेंशन लाइन को रिस्पेक्ट करे, बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, बाय की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो बाय की ट्रेड चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट की मत लीजिएगा, लेकिन अगर नीचे से ब्रेक कर दे तो सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट की। नेक्स्ट न्यूजीलैंड CHF। न्यूजीलैंड CHF में अगर मार्केट 725 के जोन में रिट्रेस करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी दे तो हम सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट GBP CHF। GBP CHF में मार्केट अगर 040 के जोन तक रिट्रेस करते हुए हमें कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो ज़्यादा अच्छा मौका होगा फ़ायदा हासिल करने का। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा 865 के जोन का, जिसमें मार्केट जाती हुई नज़र आ रही है। अगर मार्केट मज़ीद नीचे जाकर लो कंप्लीट करती है, 865 से अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बाई की ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन ये मिलने वाली अपॉर्चुनिटी काउंटर होगी, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेगा। नेक्स्ट AUD CAD। AUD CAD में फर्स्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम टारगेट करेंगे 700 के जोन से। 700 के जोन से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास 580 का जोन है, जहां मार्केट अभी करीब करीब मौजूद है। इस जोन से अगर कोई भी बाई की अपॉर्चुनिटी फ्रेश वीक में मिले तो बाई की ट्रेड के साथ जाकर भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद होगा। काउंटर अपॉर्चुनिटी के बावजूद यहां से मिलने वाली बाई की अपॉर्चुनिटी कामयाब हो सकती है। नेक्स्ट GBP JPY। डेली टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्कान है इनफैक्ट फ़ायदा हासिल करने का। अगर GBP JPY पर ट्रेंड लाइन होल्ड हो और कोई भी बाय की ट्रेड मिले, बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जाना चाहिए, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। नेक्स्ट EURCAD। EURCAD पे डेली टाइम फ्रेम को हम फोकस कर रहे हैं। आइडियल अपॉर्चुनिटी अब हमें, जबकि एक बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन के बाद एरिया टूट चुका है, अब अगर मार्केट रिट्रेस करते हुए 270 के जोन से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। रेस्ट ऑफ अदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें 940 का जोन फराहम कर सकता है। 940 के जोन से अगर कोई भी बाई की अपॉर्चुनिटी मिले डेली टाइम फ्रेम पर, बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। काउंटर अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद भी कामयाबी के बहुत ज़्यादा इम्कान मौजूद होंगे। नेक्स्ट CAD JPY। CAD JPY पे मार्केट 85.45 के जोन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर इसी जोन से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो शॉर्ट टर्म बाई की ट्रेड ले सकते हैं। H4 के टाइम फ्रेम को देखते हुए अगर कोई भी सिग्नल मिल जाए या H1 का कोई सिग्नल मिल जाए तो शॉर्ट टर्म 30-40 pip का TP और SL रखते हुए ट्रेड को लिया जा सकता है, फ़ायदा हासिल करने का मौका होगा। लेकिन अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो फिलहाल CAD JPY पर कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट न्यूजीलैंड CAD। न्यूजीलैंड CAD में मार्केट 735 के जोन को रीच करती हुई नज़र आ रही है। अगर 735 के जोन से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाय का सिग्नल मिलता है तो बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। काउंटर अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद फ़ायदा हासिल करने का मौका न्यूजीलैंड CAD पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। आइडियल अपॉर्चुनिटी ट्रेंड के साथ हमें 880 से मिलेगी, जिसके लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। 880 के जोन से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है विद ट्रेंड कंटिन्यूएशन, लेकिन अभी हमें 735 से जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो काउंटर अपॉर्चुनिटी होगी, जिसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट नाउ वी आर मूविंग टू इंडाइसिस JER30। इसमें मार्केट ने लास्ट वीक भी हमारी तवक्कात के मुताबिक ही काम किया, जिस
हमने अपॉर्चुनिटी को इम्पोर्टेंट करार दिया था और कहा था कि ये होल्ड करेगी, वो होल्ड भी की और बहुत ज़बरदस्त मार्केट ने एक जोन से दूसरे जोन तक रीच भी किया और अब वंस अगेन दूसरे मेंशन जोन को भी मार्केट हमारे रिस्पेक्ट कर रही है। 12,550 के जोन से कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी पिक की जा सकती है, फ़ायदा हासिल करने का मौका बाय की ट्रेड के साथ भी मौजूद है और 12,850 से अगर सेल की अपॉर्चुनिटी मिले तो सेल की ट्रेड के साथ भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद है। बट याद रखिएगा, इंडाइसिस पर वही ट्रेड करें, क्रूड ऑयल पर वही ट्रेड करें, सिल्वर पर वही ट्रेड करें जिनका कैपिटल बड़ा हो। नेक्स्ट UK 100, UK 100 पे 7,550 का जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जहाँ से मार्केट ने पुश बैक करा और दोबारा मार्केट ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। 7,707 से अगर सेल की ट्रेड मिले, सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, लेकिन हो सकता है इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ये एरिया टूट जाए, होल्ड ना करे। अगर ये टूटता है तो 7,780 से भी सेल की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो हम सेल की ट्रेड के साथ बिल्कुल जा सकते हैं H4 के टाइम फ्रेम को देखते हुए। बाय की अपॉर्चुनिटी हमें 7,553 के जोन से ही मिल सकती है UK 100 पर। AUS 200 में हम अपने जोन को देख रहे हैं, मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट हो रही है, जोन भी रिस्पेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा जोन को चेंज किया है सिचुएशन को देखते हुए, जो रीसेंट मार्केट की सिचुएशन है उसको देखते हुए। मार्केट भारत अगर हमारे जोन के अंदर आते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे, हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद रहेगा। बट अगर मार्केट 6,230 तक आए और 6,230 से बाय करने का मौका मिले AUS 200 को, तो बाय कर सकते हैं तकरीबन 40 पिप का SL रखते हुए, 6,290 का SL रखते हुए बाय की ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड के साथ फ़ायदा मिल सकता है AUS 200 पर। नेक्स्ट गोल्ड, गोल्ड जिसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है सबकी, इसमें तीन तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। नंबर वन, 1206 से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसमें ख़तरा बहुत ज़्यादा होगा। सेल की अपॉर्चुनिटी की जो तलाश में है वो इंतज़ार करें कि शॉर्ट टर्म, बहुत ही माइनर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट रिस्पेक्ट करके सेल की अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हम इंतज़ार करेंगे 1237 का, 1237 के जोन से अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, लॉन्ग टर्म फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा क्योंकि मार्केट का मोमेंटम मुकम्मल तौर पर सेलर्स के हाथ में है। नेक्स्ट सिल्वर, सिल्वर पे H4 के टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे और 15.63 हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया है जिससे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। यहाँ पर मिलने वाली अपॉर्चुनिटी गोल्ड से ज़्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो सकती है। अगर 15.63 से कोई सेल की ट्रेड मिलती है, सेल की ट्रेड के साथ जाएँ, फ़ायदा हासिल करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा मौजूद है। नेक्स्ट लास्ट क्रूड ऑयल्स, क्रूड ऑयल के हवाले से मार्केट ने इस पे भी जो हमने एक्सपेक्ट किया था लास्ट वीक, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी हमें कामयाबी मिली, एक्सपेक्टेशन पूरी हुई, मार्केट ने एक जोन से दूसरे जोन तक रीच किया। राइट नाउ 66.55 का जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस जोन से, इसके करीब से कोई बाय की अपॉर्चुनिटी हासिल करने का मौका मिले, ज़रूर करें, जिनके पास बड़ा कैपिटल है बाय की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल करने का मौका बहुत ज़्यादा मौजूद है। अदरवाइज सेल की ट्रेड के लिए जो इंटरेस्टेड हैं वो 69.27 के जोन का इंतज़ार करेंगे। 69.27 से अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल की ट्रेड के साथ भी जा सकते हैं, फ़ायदा हासिल करने का मौका मौजूद रहेगा। ये थे हमारे इस वीक के फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल आउटलुक एडिशन। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी वीक को प्लान करने में आसानी होगी। ये हफ़्ता आसान नहीं होगा, टफ़ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकामात पर ट्रेंड के खिलाफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एहतियात से काम लेना होगा ताकि किसी भी तरह के बड़े नुकसान से ना गुजरना पड़े। साथ ही साथ दो बड़े इवेंट्स हैं, उन पर भी क्लोजली आइज़ रखिएगा ताकि किसी भी तरह की सख्त किस्म की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप फॉरेक्स में परेशान हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं फॉरेक्स से रिलेटेड, जहाँ पे आपको एंट्रीज़ भी मिलें, प्रॉफिट हासिल करने का मौका भी मिले, सीखने का भी मौका मिले, वीकली वीडियो भी मिले, न्यूज़ ट्रेडिंग से भी आप प्रॉफिट हासिल करें, स्ट्रेटजीज सीखने का भी मौका मिले, तो मोस्ट वेलकम। आप teamforex.pk के पेड ग्रुप को फेसबुक के, जिसको 2 साल कंप्लीट हो गए, आप उसे एनी टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन करने के बाद आपको मुस्तकिल लॉन्ग टर्म फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा क्योंकि इसकी मंथली फ़ीस बहुत कम है। रजिस्ट्रेशन
कर लेने के बाद महीने के चार्जेस हमने बहुत कम रखे हैं। साथ ही साथ हमारे कोर्स का न्यू सेशन कल से शुरू हो रहा है, तो अगर कोई भी इनरोल्ड होना चाहता है कोर्स के नए सेशन में, फॉरेक्स को मुकम्मल तौर पर एडवांस स्किल्स के साथ सीखना चाहता है, तो उसके सिलसिले में गिवन नंबर पे 03222422020 पे कॉल करके रابطہ कायम कर सकता है। सब अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी करे, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।